खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर जिले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मंडल के उपाध्यक्ष की रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने की जानकारी मिली। सिद्धार्थनगर जिले के वांसी कोतवाली क्षेत्र में बैलगड़ा के पास एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। छानबीन करने के बाद पता चला कि ये मोटरसाइकिल भतीजवापुर गांव के प्रधान की है, जिसको कल शाम को बीजेपी के मंडल कार्यकर्ता राम जन्मभूमि निर्माण निधि के चंदे का करीब 50,000 रुपया लेकर दितौली में देने जा रहे थे। उनका नाम दिलीप चौरसिया है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। बीजेपी नेता के गायब होने की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया आनन फानन में। वहीं मौके पर सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस अधीक्षक राम अविलास त्रिपाठी व आईजी भी पहुंचे। बीजेपी के स्थानीय नेता किसी अनहोनी का अंदेशा जता रहे हैं और चंदे का पैसा लेकर घर से निकलने की बात कह रहे हैं। मौके पर लापता हुए बीजेपी के नेता का पर्स, बेल्ट और मोबाइल बरामद हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक भी बीजेपी नेता के गायब होने की पुष्टि कर रहे हैं और उन्हें तलाश किए जाने की बात कह रहे हैं। हमारे ही कार्यकारिणी के मेंबर थे, वो कल शाम को 5 बजे मिठवल से 50-55 हज़ार रुपये के बीच में नियर अबाउट रहा होगा मंदिर निर्माण के लिए समर्पण का, वही ला करके तिलौली में जमा उनको करना था, वही लेके निकले थे और वो तिलौली तक पहुँचे नहीं। शाम को ये घटना हो गई। घटना में उनके साथ क्या हुआ अभी तो ऊपर ईश्वर जाने, लेकिन मौके पर मोबाइल, पर्स, चाबी, बेल्ट कई टुकड़ों में उनका बरामद हुआ। जनपद सिद्धार्थनगर थानावासी क्षेत्र अंतर्गत दिलीप त्रिवेदी जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। परिजनों ने सूचना दिया कि कल शाम 4:30 बजे घर से निकल गए हैं, लापता हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल परिजनों के साथ तलाश जारी है। जहां जहां परिजन बता रहे हैं वहां वहां कई टीमें बना करके साथ में तलाश की जा रही है। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां योगी सरकार में गैंगरेप की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। उन्नाव की घटना का घाव अभी भरा नहीं था कि गोंडा जिले में एक और गैंगरेप की वारदात सामने आई है। जी हां, गोंडा जिले में मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दरिंदों ने चाकू के नोक पर छात्रा के रेप की वारदात को अंजाम दिया। बारी बारी कर दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर दुष्कर्मियों ने युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया। पूरा मामला मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से 4 युवकों ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। छुट्टी से लौटते वक्त छात्रा को बीच सड़क से अगवा कर रेप की घटना को अंजाम दिया। किशोरी के विरोध करने पर हवसी दरिंदों ने छात्रा को चाकू मार दिया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के जिला महिला अस्पताल भेज दिया गया है। थाना मनकापुर क्षेत्र में कल शाम में एक 15 वर्षीय युवती ने कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसी के गाँव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48-49 साल है, वो उसने अपने 3 साथियों के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। परंतु साथ ही साथ यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि इन दोनों परिवारों के बीच में पूर्व में भी विवाद की बात प्रकाश में आई है, परंतु समस्त तथ्यों पर समस्त साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज समस्त नगरपालिका, मार्केट एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और सभी 17 मार्केट के 509 दुकानों के सैकड़ों व्यापारी द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल एवं नगर अध्यक्ष राकेश त्यागी के नेतृत्व में नगरपालिका चेयरमैन के उत्पीड़न के विरोध में नई मंडी थाने पर थाना अध्यक्ष अनिल कपरवान एवं सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह के समक्ष गिरफ्तारी दी गई। आज दोपहर 12 बजे सैकड़ों व्यापारियों को थाना अध्यक्ष अनिल कपरवान द्वारा रिहा किया गया।
सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ वार्ता हुई। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आश्वासन दिया गया कि नगर पालिका मार्केट के व्यापारियों की समस्याओं के निवारण करते हुए सोमवार से रसीदें कटनी शुरू हो जाएंगी। आश्वासन के उपरांत प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल एवं नगर अध्यक्ष राकेश त्यागी द्वारा घोषणा की गई कि सभी व्यापारी अपने बाजार खोलें। उनके द्वारा कहा गया कि व्यापारी नगर पालिका में किराया जमा करना चाहता है, लेकिन चेयरमैन की हठधर्मिता के कारण किराया जमा नहीं हो पा रहा था, जो सोमवार से शुरू हो जाएगा। हमारा कोई भी व्यापारी डिफाल्टर नहीं है। इसके साथ ही कल की घटना पर चेयरमैन के विरुद्ध तहरीर दी गई थी। ऐसा था, कल हमारी स्कूटर रैली थी और कल हमारी स्कूटर रैली सम्पन्न हुई, बल्कि कल हमारे पे कुछ लोगों से हमला कराया गया। नगर पालिका में जब हम घुस रहे थे जी, तो जब हमारे लोग काफ़ी संख्या में थे, स्कूटर रोक कर और उनको पकड़ना चाहा तो वे भाग गए थे जी। हमने वो रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है जी कि हमारे साथ में अप्रिय घटना। सीएम साहब ने आश्वासन ये दिया कि परसों सोमवार से शायद निश्चित रूप से, जो अब तक के हमारे पास सारे कागजात हैं मंडल आयुक्त के सबके, इनके अगर चेयरमैन पे एक भी कागज हो तो हम अपने घर बैठ जाएंगे और चेयरमैन जैसे कहेगी वैसे होगा, लेकिन हमारे पास में पक्के प्रूफ हैं, हमारे पास कागज है। कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे, इसका यही पता नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, इसको यही पता नहीं है कि चार दिन पहले वो भाजपा में आई तो भाजपा ही बनने लग रही है, हमें बता रही है समाजवादी पार्टी की। यूपी के कौशाम्बी में एक युवक को किन्नर बनकर बाजार में पैसा वसूलना महंगा पड़ गया। जानकारी होने पर किन्नरों ने उसे दौड़ाकर खेतों में पकड़ा। इसके बाद निर्वस्त्र कर बेरहमी से लात घूसों से जमकर पिटाई की। मजनपुर मुख्यालय में निर्वस्त्र हालत में युवक को किन्नरों के हाथों पिटता देख लोगों को बताया कि यह युवक किन्नर बनकर पैसा वसूलता है। पिटते किसी ने वीडियो बनाया और फिर वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से मामले में कोई प्रक्रिया नहीं की गई। जहां एक और सूबे के सीएम योगी सरकार सबका साथ सबका विकास होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके कर्मचारियों के कामों में सवालियत निशान खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा क्षेत्र के सदर नगर पंचायत विकास नगर का है, जहां पर आदिशासी अधिकारी राजाराम बक्सी व शवाशत विकास कटियार की मिलीभगत से एक गरीब की झोपड़पट्टी पर जेसीबी मशीन चलवाकर उजाड़ दिया गया। झोपड़ी बनाकर रह रहे पीड़ित अशरफ अंसारी ने बताया कि उनसे आधा दर्जन से अधिक अन्ना मवेशियों को पकड़कर उनको रोजाना चारा पानी किया करता था और अपना घर कर रहा था, जिसके फलस्वरूप जनपद स्तर पर द्वितीय पुरस्कार जिला अधिकारी दिनेश चंद द्वारा 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया था। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजाराम बख्शी व शवापत विकास कटियार ने कहा कि उनकी झोपड़ी जीएस की जमीन पर बनी है, वहीं उससे 1,00,000 रुपए देने की मांग कही थी। पीड़ित ने बताया कि ईओ व शवाशत की एक तरफा कार्रवाई करने से अब वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। परेशान, हमें गैया सिर्फ बांधते थे, बाद बाकी जो है हमें धमकी दी जा रही थी रोज, एक खेत का सौदा करके अजय कटियार ने खेत खरीदा, अंजलि कटियार के नाम है, और रोज आए दिन धमकी दे रहे थे कि तुम हटाओ हटाओ, तो हमने कहा से पहले सबको हटाओ, हम भी हट जाएंगे। सिर्फ हमें अकेले हटाया गया, बाद किसी को नहीं हटाया गया। बख्शी साहब और विकास जो है हमसे 1,00,000 रुपया मांगा था कि 1,00,000 रुपया नहीं दोगे तो तुम्हें 24 घंटे के लिए हटा दिया जाएगा। हमने कहा इतना पैसा हम कहाँ से कर पाएंगे साहब, जो है डॉक्टर साहब ने गैया हमें दी थी पालने के लिए और डीएम साहब ने हमें पुरस्कार दिया था कि आप जो है सेवा कर रहे हो, 5,000 रुपए का हमें पुरस्कार दिया था कि सेवा करो अच्छी बात है, बाद बाकी हमारी गैया खोल के सब भगा दी हैं, उठे उठे सब उखेड़ डाले हैं, हमें सब सामान भले कर नगर पंचायत पूरा